हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस एजी 504 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में कि नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई एवं इसका उद्देश्य क्या है। बोला है कि नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई एवं इसका उद्देश्य क्या है, बताइए। ठीक है, नाबार्ड आप लोग जानते होंगे, नाबार्ड NABARD। ठीक है, इसके बारे में पूछा है कि यह क्या है नाबार्ड, और इसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई, इसका उद्देश्य क्या है। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और आगे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए, कुछ लोग नाबार्ड में एन के बाद ए है तो इसलिए बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर फॉर, तो ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूरा नाम है, जिसे हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, तो यदि एग्जाम में आपके नाबार्ड आ गया तो देखिए आप लोग वहां पर बढ़ा चढ़ाकर दो लाइन और बढ़ाकर लिखने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर यह इसीलिए लिखा हूँ कि आप लोग देख सकें कि इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा बढ़ाकर लिखेंगे तो और भी अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यह क्या है, तो यह एक विकास बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है। क्या है नाबार्ड, नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। जो क्या करता है, प्राथमिक तौर पर देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव वाला क्षेत्र है, वहां पर अपना ध्यान देता है, वहां के लोगों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि व ग्रामीण विकास हेतु तो वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। वित्त मतलब क्या है, ऋण प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो यह जो है नाबार्ड या कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के लिए एक शीर्ष बैंकिंग संस्थान, शीर्ष बैंकिंग संस्थान का मतलब एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। कृषि के अतिरिक्त नाबार्ड छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है, मतलब इन सभी कार्यों के लिए भी नाबार्ड जो था वह ऋण प्रदान करता है। तो नाबार्ड तीन तरीके से ऋण प्रदान करता है, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो यह भी इसकी विशेषता वहां पर लिख लीजिएगा। तो यह था थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में कि नाबार्ड है क्या। ठीक है, तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो यह जो है नाबार्ड, यह एक बैंक है, कैसा बैंक है, विकास बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, जो गांव के विकास के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है, गांव के विकास के बारे में सोचता है। देखिए, मैं बार बार बताता हूँ एक ही चीज को, इसलिए कि आप लोगों को जो भी मैं बताऊँ वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। ठीक है, और मैं नोट्स पे इसलिए लिख कर आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि मैं जो नोट्स पे लिखूंगा उसको मैं दो बार तीन बार पढ़ूंगा, उसके बाद लिखूंगा। और यदि मैं आप लोग कंप्यूटर से टाइपिंग करके यदि मैं आपको PPT से बताऊंगा तो वहां से आप लोगों को दिक्कत होगा समझने में। ठीक है, इसलिए मैं नोट्स पे लिख कर आप लोगों को बताता हूँ, नहीं तो वहाँ पे लिखने में मुझे और आसानी होती है, वहाँ पर और अच्छे से जल्दी से लिखा जाता है। यहाँ पर लिखने में आपका 1.5 से 2 घंटे लगता है समझ कर लिखने में। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सब लोगों को नोट से पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को जो भी जो है इसी क्लास में भी याद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार बोलता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट हो गया इस सब बताने में। चलिए देखते हैं, नाबार्ड का पूरा नाम क्या था, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है, एक विकास बैंक है, जो गांव के विकास के बारे में सोचता है, जो गांव के विकास पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है, नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि व ग्रामीण हेतु वित्त प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी बैंकिंग संस्था है। ठीक है, यह ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी बैंकिंग संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों मुंबई में स्थित है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो यह कृषि के साथ साथ जो छोटे उद्योग वाले लोग होते हैं, ठीक है,
कुटीर उद्योग होता है, इन सभी परियोजनाओं में भी वित्त प्रदान करता है। और यह तीन तरीके का वित्त प्रदान करता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को शिव रमन समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया। तो देखिए पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो शिव रमन समिति की सिफारिश के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई, 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को। याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को शिव रमन समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई और कब की गई, तो शिव रमन समिति के द्वारा, शिव रमन समिति की सिफारिशों के आधार पर 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या, चलिए उद्देश्य देखते हैं। तो नाबार्ड का उद्देश्य है विभिन्न संस्थानों को उनके संसाधनों में वृद्धि के लिए दीर्घ अवधि और अल्प अवधि का पुनर्वित्त प्रदान करना। ठीक है, विभिन्न संस्थान जो है कृषि ग्रामीण क्षेत्र में किसी को यदि चाहिए ऋण, तो उसके लिए क्या करना, दीर्घ अवधि के लिए और कम अवधि के लिए, अल्प अवधि के लिए ऋण प्रदान करना। ठीक है, वित्त प्रदान करना। दूसरा है ग्रामीण विकास को निर्धारित करके सुनिश्चित दिशा देना। तो ग्रामीण में, गांव में कौन कौन सा विकास है उसको सुनिश्चित करके क्या करना, गांव के लोगों को ऋण प्रदान करना, जिससे क्या करें कि वह विकास करे। ठीक है, तो ग्रामीण विकास को निर्धारित करके सुनिश्चित दिशा देना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, तो गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको और अच्छी करने के लिए सभी को ऋण प्रदान करना। ठीक है, ऋण उपलब्ध करवाना। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण मुहैया कराना, लघु एवं कुटीर उद्योग जो उनके विकास के लिए भी ऋण को उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था का समय समय पर जांच करना। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था का समय समय पर जांच करना और नियंत्रित करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, तो जैसे इसका यह भी एक उद्देश्य है कि गांव जो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर बैंकिंग व्यवस्था का क्या सिस्टम है, समय समय पर उसकी जांच करना और यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको नियंत्रित करना और उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, अगला है संस्थागत ऋणों की वसूली में प्रगति, जिसमें उस धन को बार बार प्रयोग हो सके। जैसे किसी को ऋण दे रहा है तो जल्द से जल्द उस ऋण को प्राप्त कर ले, जिससे वह किसी दूसरे को भी ऋण देने में सक्षम हो सके। ठीक है, तो यह था इसका उद्देश्य। आप लोग इसमें और बनाकर लिख सकते हैं उद्देश्य में कि नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य है गांव का विकास। फिर लिखिएगा नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना, जिससे क्या करे वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार, आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। ग्रामीणों को साथ साथ कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों के लिए भी ऋण उपलब्ध कराना, जिससे वह विकास कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। देखिए नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, गांव का विकास करना। ठीक है, ग्रामीण विकास और कुटीर और लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो यह क्या, यह एक विकास बैंक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो कहीं से भी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या आवश्यकता है, सबसे पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है वह नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आवश्यकता, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है, क्या इसकी लाभ है, क्या हानि है, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है क्या। उससे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा घरेलू व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्या होता है। तो देखिए, जब किसी देश के विभिन्न स्थान, प्रदेश, क्षेत्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय होता है, जैसे मान लीजिए हमारा भारत देश है। ठीक है, हमारा भारत देश है, उत्तर प्रदेश से व्यापार हो कहाँ पर, मुंबई में, महाराष्ट्र में, समझ लीजिए मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश मुंबई से कोई चीज का, किसी भी चीज का आयात या निर्यात हो रहा है, तो यह हो गया घरेलू, क्या हो गया, यह हो गया घरेलू व्यापार, या इसको अंत क्षेत्रीय व्यापार बोलते हैं। यही जब मान लीजिए भारत देश से कहाँ पर, अमेरिका में व्यापार होगा, किसी चीज का आयात निर्यात होगा, तो उसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मतलब एक देश से दूसरे देश में जब किसी चीज का आयात या निर्यात होता है तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तो वहां पर क्या होता है, घरेलू व्यापार होता है। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग ना व्यापार क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। यदि बात आए व्यापार की तो व्यापार का मतलब होता है क्रय और विक्रय। अभी आगे व्यापार वाला क्वेश्चन आएगा, चलिए पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब वही है कि एक देश से किसी भी वस्तु का दूसरे देश में आयात या निर्यात करना, एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो समझ में आ गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या आवश्यकता। तो इस आवश्यकता को भी पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश में किसी चीज की, जैसे हमारा भारत देश है, तो हमारा जो भारत देश है जब ये फसल को उत्पादन करता है तो क्या होता है कि हमारे भारत देश में 135 करोड़ 140 करोड़ जो भी जनसंख्या है उनको खाने के बाद भी इतना उत्पादन करता है कि कुछ बच सके। ठीक है, तो वह जो बचेगा उसको दूसरे देश में क्या करेगा, निर्यात करेगा, आयात करेगा। ठीक है, यहाँ से वहां पर ले जाएगा और वहां से कुछ चीज ऐसी जो भारत देश में नहीं तो वहां से यहाँ पर लाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और यही आवश्यकता भी है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो चलिए देखते हैं, सभी देश अपने देश के निवासियों की खपत की तुलना में कुछ वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन करते हैं। ठीक है, सभी देश जो होते हैं वह अपने देश के निवासियों की खपत की तुलना में कुछ वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन करते हैं तथा कुछ वस्तुओं की देश में कमी भी हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारा भारत देश है, ठीक है, हमारे भारत देश जो कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा फसल का उत्पादन होता है, तो यह एक देश से दूसरे देश में क्या करेगा, निर्यात करेगा। देखिए अब बात आती है कि कुछ लोगों को यह अभी नहीं पता होगा कि आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। आयात का मतलब आएगा, निर्यात का मतलब जाएगा। ठीक है, जब किसी देश से किसी भी चीज को खरीद कर अपने देश में बुलाते हैं या किसी चीज को दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं तो वो होता है क्या, आयात। अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं तो उसको बोला जाता है निर्यात। तो यही होता है आयात और निर्यात। ठीक, आयात निर्यात समझ में आ गया। तो सभी देश जो होते हैं अपने देश के निवासियों की खपत की तुलना में कुछ वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारे भारत देश में गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक है तो क्या होगा कि हम अपने गेहूं को क्या करेंगे, दूसरे देश से, मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका में गेहूं की कमी है तो अपने देश से लेकर जाएंगे कहां पर, अमेरिका में देंगे। ठीक है, और वहां से हम क्या लाएंगे, पेट्रोल डीजल वहां पर बहुत सस्ता है तो वहां से कहां पर लाएंगे, अपने भारत देश में लाएंगे। तो वहां से अपने भारत देश में लाएं क्यों, पेट्रोल डीजल को, क्योंकि हमारे देश में उस चीज की कमी है। तो वहां से जब हम अपने देश में लाए तो यहाँ पर क्या आया तो हो गया निर्यात, और सॉरी वहां से यहाँ आया तो हो गया आयात, और यहाँ से वहां गया क्या हो गया निर्यात। तो यही आवश्यकता है हमें व्यापार की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, क्योंकि सभी जरूरतें जो हैं एक देश से पूरा नहीं हो सकती हैं किसी की भी। ठीक, इसीलिए हमें जो आवश्यकता है किसी की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। यही यहाँ पर बताया गया है कि सभी देश जो होते हैं अपने देश के निवासियों की खपत की तुलना में अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तथा कुछ वस्तुओं की देश में कमी भी हो जाती है, तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी देश को निम्नलिखित कारणों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करना पड़ता है, कोई भी देश होगा यही उसकी मुख्य कारण होगी जो कि वह वस्तुओं का आयात या निर्यात करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कारण है, तो मैंने बताया पहला कीमत। ठीक है, कीमत, तो यदि विदेशी कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं को अधिक सस्ते में उत्पादित या पेश करती हैं तो विदेशी व्यापार के लिए जाना फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका जो है, अमेरिका में पेट्रोल आपका है 30 रुपये लीटर। ठीक है, भारत में कितना है, भारत में 100 रुपये के आसपास। ठीक है, अमेरिका मान लीजिए 30 रुपये, भारत में कितना है इस टाइम, 100 रुपये के आसपास है। तो यदि हम अमेरिका से लाएंगे तो उससे क्या होगा, इससे हमें लाभ होगा। तो यह देखिए इसमें तो बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता है, इसीलिए सरकार इतना महंगा कर दी है। तो यही सिस्टम होता है, मतलब कि यदि वहाँ पर सस्ता मिलेगा तो हम जाएंगे वहाँ से लेकर आएंगे। तो यही बोला गया है कि यदि विदेशी कंपनियाँ वस्तुओं और सेवाओं को अधिक सस्ते में उत्पादित या पेश करती हैं तो विदेशी व्यापार के लिए जाना फायदेमंद होता है, इसलिए विदेशी व्यापार करना फायदेमंद होता है। उसके बाद गुणवत्ता, गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है, यदि विदेशी कंपनियाँ अच्छी और बेहतर गुणवत्ता की सेवाएँ दे सकती हैं तो उसके लिए बाहर से व्यापार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड आप लोग जानते होंगे, यह एक देश है। ठीक है, यहाँ पर विस्की जो होता है, विस्की ब्रांडी आप लोग सुने होंगे, तो वहाँ पर जो विस्की है ना स्कॉटलैंड में, वहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, वहाँ से निर्यात किया जाता है, वहाँ से क्या किया जाता है, अपने देश में आयात किया जाता है। ठीक, स्कॉटलैंड में स्कॉच की लगभग 37 बोतल प्रति सेकेंड में निर्यात करती है। ठीक है, स्कॉटलैंड जो है 37 बोतल प्रति सेकेंड में निर्यात करता है दूसरे देश को, एक सेकेंड में 37 बोतल। ठीक है, एक सेकेंड में 37 बोतल को दूसरे देश में बेचता है, कौन, स्कॉटलैंड। तो ये होगी गुणवत्ता की बात। अगला है अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। ठीक है,
तो यदि उस उत्पाद को घरेलू उत्पाद में उत्पादित करना असंभव है, जैसे विशेष प्रकार के फल, जैसे कुछ फल होते हैं जो हमारे देश में बहुत कम पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहता है, उसको दूसरे देश से क्या किया जाता है, अपने देश में मंगाया जाता है, आयात करवाया जाता है। तो उसी को बोला है, जैसे जापान के पास तेल का कोई प्राकृतिक भंडार नहीं है, जापान जो, उसके पास तेल का कोई प्राकृतिक भंडार नहीं है, उसलिए वह क्या करता है कि वह सभी प्रकार के तेल को क्या करता है, दूसरे देशों से आयात करता है। तो यही है अंतरराष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता। और अगला है लास्ट मांग। तो यदि किसी उत्पाद या सेवाओं की मांग देश में घरेलू उत्पादन की तुलना में अधिक है, तो यह अभी आयात के लिए जाती है। ठीक है, किसी चीज की मांग हो जाएगी तो क्या करेगी, अभी देश दूसरे देश में आयात के लिए जाएगा। तो यह था अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता। चलिए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, तुलनात्मक लाभ पहला है कंपेरेटिव एडवांटेज। कंपेरेटिव एडवांटेज, तो यह देशों को केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन में विशेषज्ञ बनाने की अनुमति देता है जिन पर यह इच्छा होती है। ठीक है, यह तो होता है तुलनात्मक लाभ, मतलब इसका यह है कि यह देशों को केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन में विशेषज्ञ बनाने की अनुमति देता है जिन पर उनकी यह इच्छा होती है। ठीक है, पहला है पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। यदि कोई देश अपने माल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना चाहता है, तो उसे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा उत्पादन करना होगा, इसलिए अधिक मात्रा में उत्पादन करने से पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं होंगी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत भी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब अधिक उत्पादन होगा तो उससे वस्तु की लागत भी कम हो जाएगी। अगला है प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो विदेशी व्यापार में या विदेशी बाजारों में वस्तुओं और सेवाओं को बेचना भी उस बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। एक तरह से यह स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छा होता है। आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी कीमतें और गुणवत्ता विदेशी प्रतिस्पर्धाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्धी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन भी होता है, प्रतियोगिता भी होता है। और अगला है प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अक्सर विकसित राष्ट्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ओर जाता है। सरकार विकासशील देशों में अक्सर विदेशी कंपनियों के लिए शर्तें होती हैं जिसमें स्थानीय विनिर्माण क्षमता विकसित करना शामिल होता है। और अगला है लास्ट पॉइंट, अधिक रोजगार का सृजन। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि दोनों देशों में रोजगार के अवसर पैदा करती है। यही एक बड़ा कारण है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े व्यापारिक देशों में बेरोजगारी की दर बहुत कम है हमारे भारत देश की अपेक्षा। ठीक, हमारे भारत देश में तो बहुत ज्यादा युवा जो हैं वह बेरोजगार बैठे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से नुकसान क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। पहला, अधिक निर्भरता, मोल सेल्फ डिपेंडेंसी, मतलब दूसरे के ऊपर अधिक रूप से निर्भर होते हैं। ठीक है, विदेशी व्यापार में शामिल देश या कंपनियां वैश्विक घटनाओं की चपेट में हैं। एक प्रतिकूल घटना की मांग को प्रभावित कर सकती है और यहाँ तक कि नौकरी को हानि भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, हाल ही में अमेरिका चीन व्यापार युद्ध चीनी निर्यात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि दूसरे ऊपर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। दूसरा है नई कंपनियों के लिए अनुचित। तो नई कंपनियां या स्टार्टअप जिनके पास अधिक संसाधन और अनुभव नहीं है, उनके लिए बड़ी विदेशी कंपनियां खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। ठीक है, यदि कोई देश रणनीतिक उद्योगों के लिए आयात पर निर्भर है, तो निर्यातक इसे एक निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो राष्ट्रीय हित में नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। तो एक देश के पास केवल प्राकृतिक संसाधन सीमित है, लेकिन अगर यह विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोलता है, तो यह उन प्राकृतिक संसाधनों को बहुत तेजी से खत्म कर सकता है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपने फायदे नुकसान है, ठीक है, लेकिन फायदे नुकसान से बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन जो फायदे होते हैं वह नुकसान से बहुत दूर होते हैं। आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक आवश्यकता बन गया है, लेकिन एक देश को आयात और निर्यात के बीच उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अर्थव्यवस्था विकास दर पर बनी रहे। ठीक है, तो यही था दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने बताया आप लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता, लाभ और हानि, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है यह भी मैंने बताया। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है, व्यापार क्या है, इसको बताता है अंग्रेजी में ट्रेड। तो ट्रेड क्या है, तो व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। ठीक है, व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। जब कहीं पर क्रय और विक्रय होता है तो वहां पर व्यापार होता है, जहां पर क्रय विक्रय होता है वहां पर व्यापार होता है। और आपको यह भी बता दूं कि जहां पर क्रय होगा वहां पर भी विक्रय, वहां पर विक्रय भी होगा, जहां विक्रय होगा वहां क्रय होगा। ठीक है, जैसे आप दुकान पर गए, दुकान से कोई चीज या कोई वस्तु खरीदी, जैसे मान लीजिए आप दुकान पर गए, दुकान से जाकर आपको 5 रुपए की बिस्किट लेना, तो आप बिस्किट लेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, उससे क्रय कर रहे हैं, और वहीं पर क्या हो जा रहा है, वह आपको बेच रहा है, तो वहां पर विक्रय भी हो जा रहा है। मतलब क्रय और विक्रय एक साथ होते हैं। ठीक है, तो व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय। दूसरे शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति या संस्था से
दूसरे व्यक्ति या संस्था को सामानों को आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामानों के आदान प्रदान की प्रोसेस को ही व्यापार बोला जाता है। सामानों का जो आदान प्रदान होता है वह मुद्रा के बदले किया जाता है। ठीक है, सामानों के आदान प्रदान करने से क्या प्राप्त होता है, मुद्रा मिलता है। तो जब किसी देश के विभिन्न स्थानों, प्रदेशों अथवा क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो इसे घरेलू या अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं, और जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तो इसे विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, तो यही, इसी के साथ आप लोगों का जो 3 क्वेश्चन मैंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3ों क्वेश्चन खत्म हो गया, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैं चाहूँगा आप लोग उसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।